सुप्रभात, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हमारा दूसरा चैप्टर है तुलसीदास। काव्यखंड में शुरू करते हैं हम तुलसीदास। पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं कवि सूरदास। अब सेकंड चैप्टर हम पढ़ते हैं तुलसीदास। भक्ति काल के प्रसिद्ध कवियों में राम भक्त कवि माने जाते हैं और ये सगुण भक्ति धारा के हैं। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास। सबसे पहले हम तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए जीवन परिचय एसरीज आपके बुक का जो है जीवन परिचय, वही जीवन परिचय लिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास का जन्म हुआ है। ठीक है, कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा में मानते हैं। हमने पहले भी ये पढ़ा है कि भक्ति काल के कवियों के जन्म स्थान के बारे में हमेशा से मतभेद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है, कई लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बांदा में हुआ है और कई लोग मानते हैं कि सोरो में, जिला एटा में मानते हैं। ठीक है, अब तुलसीदास का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। प्रारंभिक वर्षों में इनके माता पिता का इनसे बिछोह हो गया। ठीक है, माता पिता ने इनको त्याग दिया। कहा जाता है कि जन्म के समय इनकी अवस्था, इनके शरीर की अवस्था जो है 5 वर्ष के बच्चे के समान थी और जन्म के समय इनके दांत भी निकले हुए थे। इनका जन्म अभुक्त नक्षत्र में होने के कारण घर वालों ने इनको जो है किसी अनिष्ट की आशंका से इनको त्याग दिया कि भाई ये जो है इसके होने से कुछ अनिष्ट ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, इसीलिए इन्हें घर वालों ने त्याग दिया। पर एक मुनिया नामक दासी ने इनका लालन पालन किया है। ठीक है, यहाँ पर है ये राम भक्त कवि हैं। राम भक्ति का इनको मार्ग मिला, मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। सबसे प्रसिद्ध इनका ग्रंथ कौन सा? रामचरितमानस। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, सील, विनय, त्याग जैसे आदर्शों को प्रतिस्थापित किया है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता में बहुत ही लोकप्रिय है। मानस के अलावा इनकी अवली वाली सारी रचनाएं याद रखनी है। पहली एक रखनी है रामचरितमानस, उसके बाद में इनकी अवली वाली रचनाएं कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। अवली क्या होती है, जिसे हम कहते हैं दीपावली, दीपों की पंक्ति। तो यहाँ पर ये कवितावली है, गीतावली है, दोहावली है। याद रखिएगा अवधी और दो ब्रज दोनों भाषाओं में इनका अधिकार रहा है, समान अधिकार रहा है। सन 1623 में काशी में इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। तुलसी ने रामचरितमानस की स्थापना जो है रचना अवधी भाषा में की है। याद रखिएगा, एक जो इनकी रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में रचित है और ये कवितावली और दोहावली है, ये इनकी सारी ब्रज भाषा में रचित है। तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है सुसमय के प्रचलित काव्य रूप जो भी चलते थे। रामचरितमानस का मुख्य छंद जो है वो चौपाई छंद है, बीच बीच में दोहे, सोटे, हरि गीति का, इन छंदों का भी उपयोग किया गया है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में लिखी गई है। ठीक है, और उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का सार मिलता है। अगला देखिए, जो हम तुलसीदास वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो इसके काव्य रामचरितमानस के बालकांड में से लिया गया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है, पूछा जाता है राम लक्ष्मण, लक्ष्मण राम, परशुराम संवाद कहाँ से लिया गया, कहाँ से उद्धृत है, तो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष, क्या है इसका बैकग्राउंड क्या है कि सीता स्वयंवर में राम द्वारा जो है धनुष भंग किया जाता है। मुनि परशुराम जी आते हैं, क्रोधित होते हैं और कहते हैं जिसने भी शिव का धनुष जो तोड़ा है वो मेरा क्या है, शत्रु है। और बहुत ही ज़्यादा उनका जो है व्यंग बढ़ जाता है इसके साथ, लक्ष्मण के साथ। तब विनय और राम और विश्वामित्र इनको समझाने की कोशिश करते हैं और राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में उनका गुस्सा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। अभी राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद हुए हैं वो यहाँ पर तुलसीदास ने प्रस्तुत किए हैं। इस पूरे काव्य में परशुराम के क्रोध भरे वाक्य हैं, लक्ष्मण की ओर से वीर रस से पगी हुई वाक्य रचनाएं हैं। ठीक है, व्यंग्य उक्तियां हैं और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। अगला देखते हैं,
सबसे पहले इसका काव्य पढ़ते हैं, पहला पद, ठीक है? ये आपको समझ में आ रहा है? हमने राम जो है रामायण देखी है, लॉकडाउन में रामायण चली थी, हमने रामायण में एक पार्ट देखा है कि जब सीता स्वयंवर में राम और लक्ष्मण जाते हैं तब धनुष भंग किया जाता है और परशुराम जी आते हैं, परशुराम जी क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि राम जो है शिव के उनके गुरु हैं, उनका धनुष किसने तोड़ा है। बस ये उसी को उसी पर क्या है आधारित है, अच्छे से समझना इसको। देखते हैं हम, देखो, नाथ संबुधनु भंज निहारा, नाथ संबुधनु भंज निहारा, संबुधनु यानी शिव जी के धनुष को, हे नाथ शिव के धनुष को भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, यानी तोड़ने वाला होई के एक दास तुम्हारा। हे परशुराम जी, जब परशुराम जी कहते हैं भाई ऐसा कौन है जिसने मेरे गुरु के धनुष को भंग किया है, तो तब श्री राम जो है वो विनय से कहते हैं कि नाथ संबुधनु, हे नाथ शिव के धनुष को भंज निहारा तोड़ने वाला आप ही का कोई एक दास है। आयशु कहा कहिए किन मोही, आयशु यानी आज्ञा, यानी अब आज्ञा कहिए, अब आदेश दीजिए कि अब क्या है मेरे लिए, अब मेरे लिए क्या आदेश है, आज्ञा कीजिए। सुन रिसाई, रिसाई यानी क्रोधित होकर, रिसाई यानी क्रोधित होकर बोले मुनि कोही, कोही यानी क्रोधित, इतना सुनकर क्रोधित होकर क्रोधी स्वभाव के मुनि परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, सेवकु जो करे सेविकाई, सेवकु यानी सेवक, सेवकु यानी सेवक, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। जब राम ने कहा कि आप ही का कोई एक दास है, दास माने सेवक, तो बोला आप ही का कोई एक सेवक है जिसने इस धनुष को तोड़ा है, तो परशुराम जी क्या कहते हैं कि सेवकु जो सो करे सेविकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, जो सेवा करने का सेवक का कार्य करता है। अरि करनी, अरि यानी होता है शत्रु, अरि करनी शत्रु का कार्य होता है कर ही लड़ाई, लड़ाई माने लड़ाई, ठीक है, लड़ाई माने लड़ाई के सेवक का कार्य तो होता है सेवा करना, लेकिन तुमने जो कार्य किया है वो कार्य किसका है, शत्रु का कार्य, तुमने मेरे गुरु का धनुष भंग करके लड़ाई करने जैसा शत्रु का कार्य किया है। समझ में आया कि हे नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई को एक दास तुम्हारा, कि कोई आपके इस धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई एक दास है। आयसु कही कि न मोही, मुनि साई बोले गुनि को ही, यानी तब जो है परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं कि सेवकु जो सो करे सेविकाई, सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, अरि करनी कर ही लड़ाई, शत्रु का कार्य होता है कि वो लड़ाई करता है। सुनहु राम जहि शिव धनुष तोड़ा, तोड़ा यानी तोड़ा, कि हे राम सुनो जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु सम रिपु मोरा, सहस्र बाहु राक्षस का नाम है जिसकी हजारों भुजाएं थी, तो सहस्र बाहु सम, सम यानी समान, समान में कौन सा अलंकार है, यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार क्या होता है, जब किसी से उपमा की उपमान से तुलना या समानता बताई जाती है तो उपमा अलंकार होता है। रिपु मोरा, रिपु माने होता है शत्रु, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं परशुराम जी को, जब कहते हैं कि तुमने तो लड़ाई का काम किया है, और कहते हैं सुनहु राम, हे राम सुनो जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस्र बाहु सम रिपु मोरा, वो मेरा सहस्र बाहु राक्षस के समान मेरा क्या है, शत्रु है। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, सो भी लगाओ, भी लगाओ यानी अलग हो जाना, क्या हो जाना, अलग हो जाना। सो भी लगाओ बिहाई समाजा, इस समाज यानी इस राज सभा से, इस राज सभा से, सो भी लगाओ बिहाई समाजा, वह जो मेरा शत्रु है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, वह क्या हो जाए, इस सभा से दूर हो जाए, न ते मारे जाए सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, लखन जो है वो थोड़े चंचल, लक्ष्मण जो है वो चंचल रस्म के हैं, शरारती हैं, वो क्या कर रहे हैं, गुरु से व्यंग्य उक्तियां कर रहे हैं। राम है सरल स्वभाव के, विनयशील हैं, जो शांति से गुरु के सामने कभी नहीं बोलते, लेकिन लक्ष्मण क्या है, लक्ष्मण व्यंग्य उक्तियों से उनका जवाब देते हैं, चंचल हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने,
मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और बोले परसु धरई औ माने। परसु धरई, परसु है यहाँ पे जो परशुराम जी का जो हथियार है, क्या है? फरसा। धरई यानी धारण करने वाला, ठीक है। तो बोले अवमान यानी अपमान में, फरसा धारण करने वाले परशुराम जी के अपमान में कुछ कहने लगते हैं। क्या कहने लगते हैं? बहुरी धनुरी तोरी लरिकाई, बहुरी धनुरी तोरी लरिकाई। लरिकाई यानी होता है, याद रखना ये शब्द को, लरिकाई मतलब होता है बचपन। क्या होता है? बचपन। तो बहुरी धनुरी तोरी लरिकाई कबहुन असिरी सकीनी गोसाई। यानी हे गुरुदेव, हम जब बचपन में, जब जंगलों में जब हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे तो बहुरी धनुरी तोरी लरिकाई, तो हमने बचपन में बहुत सारी धनुरी, धनुरी यानी छोटी छोटी धनुरिया जो हम बचपन में बनाते हैं लकड़ी से धागा बांध के, तो हमने बचपन में बहुत सी धनुरिया तोड़ी है। पर असी रीस नकीनी गोसाई, कि हे गोसाई हे नाथ, आपने ऐसी रीस यानी इतना क्रोध तो आपने कभी पहले नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के हेतु, यानी इसी धनुष पर, इस धनुष के टूटने पर, इसी धनुष पर के ही इतनी ममता, इतना स्नेह। ममता यहाँ पर क्या है? स्नेह। कि इतनी, इसी धनुष पर इतना विशेष स्नेह क्यों है? तो सुने ऋषाय बोले भृगुकुल केतु। इतना सुनकर ऋषाय यानी क्रोधित होकर भृगुकुल केतु, देखो भृगु है इनके ऋषि भृगु, पिता का नाम कुल यानी भृगु के कुल का, केतु माने चंद्रमा, यानी भृगु ऋषि भृगु के कुल का चंद्रमा कौन? परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं, क्या बोलेंगे? रे नृप बालक, नृप माने राजा, नृप माने राजा। तो हे राजा के बालक, कौन? राजकुमार। हे राजकुमार काल बस, तू काल के बस में हो गया है, बोलत तो ही न संभार। संभार यानी समझ, यानी तू काल के बस में हो गया है, तुझे बोलने की अभी कोई समझ नहीं है, तू नादान है। धनु ही सम त्रिपुरारी, ये धनुरी, ये धनुरी के समान नहीं है। तू जो बोल रहा है कि बचपन में बहुत सारी धनुरिया तोड़ी थी, ये उस धनुरी के समान नहीं है, बल्कि त्रिपुरारी धनु। त्रिपुरारी किसका पर्यायवाची है? शिव का। त्रिपुरारी धनु, ये त्रिपुरारी का धनु है और विदित सकल संसार। विदित यानी जानता है, सकल माने सारा, संसार यानी जगत। यानी ये धनुष जो है वो मामूली धनुरियों के बराबर नहीं है, और इस बात को सारा के सारा संसार जानता है। तो यहाँ हमारा पहला पद शुरू समाप्त होता है, अगला पद कंटिन्यू रखेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।